जिसके जेब में पैसा है तो जाकर आटा घी उठाकर घर में स्टोर करता है, और जो तनख्वाहदार है ज़ाहिर है 30 तारीख के आने से कबल उनके साथ पैसा तो नहीं होता है, तो सारी रात खौफ में गुजारता है। तो भूख है और खौफ है, कुरान करीम में इन दोनों चीजों का तस्करा है। وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة, अल्लाह एक बस्ती का मिसाल पेश करता है जहां के लोग अमन में थे, खुशहाल थे। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकानिन, चारों तरफ से रिजक के दरवाजे खुले थे। फकफरत बिअनअमि अल्लाह, इस बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नेमतों को टुकराया। फअज़ाक़हा अल्लाह लिबास अल-जूअ, तो अल्लाह ने उसको भूख का लिबास पहनाया। वल खौफ, और खौफ का, बेमा कानु यस्नाउन, उनके अपने अमल की वजह से। तो आज 23 करोड़ पाकिस्तानी, पांव तले सोना चांदी के जखायर मौजूद, 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल साहिल मौजूद, बुलंद और बाड़ा पहाड़ मौजूद, 5 दरियाएं बहते हैं, मेहनत कश अवाम, जहीन पतीन नौजवान, लेकिन चारों तरफ भूख और अफलास है, गुर्बत नाच रही है। कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं है। 30 तारीख आने पर बिजली, गैस, पानी का बिल अदा करने के लिए पैसा नहीं है। और शर्म की बात यही है, अफसोस की बात यही है कि एक तरफ पूरी कौम भूख और अफलास में मुब्तला है, और दूसरे तरफ आपकी हुकूमत ने सैकड़ों की तादाद में कीमती गाड़ियां दरामद करने की समरी पर दस्तखत की है कि दरामद किया जाए। इनके कुत्ते, इनके बिल्लियों के लिए फ्रांस से खुराक आती है। इनके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आई। आज की खबर है कि जनाब इमरान खान साहब के घर भी, घर पर भी 600 पुलिस का पहरा। वजीर आजम के घर पर पहरा, बिलावल हाउसेस पर पहरे। कैसे सख्दिल लोग हैं, पैसा गरीब अवाम का, टैक्स गरीब अवाम का, और पुलिस तनख्वाह उसी टैक्स से लेती है, और पहरा इमरान खान का, पहरा शहबाज शरीफ का, पहरा बिलावल के घर का। ये गाड़ियां जो गुजरती है प्रोटोकॉल के, सैकड़ों गाड़ियां, इनसे जो धुआं निकलती है ये आपका पैसा जलता है, ये आपकी मेहनत है। मेरे मोहतरम भाइयों, मसला क्या है? आज भी हम एक ऐसे निजाम में सांस ले रहे हैं कि जिस तरह मुगल बादशाहत के जमाने में अवाम मजबूर थे और मुगल बादशाहत थी, आपस में लोग कहानियां बयान करते थे, आज शहजादा गुस्सा था, आज शहजादी मुस्कुराई, आज उसने चेहरा दिखाया,
आज उसको हमने घोड़े पर सवार देखा, आज उसने शिकार खेला। सदियां गुजर गई, हमारे हालात नहीं बदले। ये जो मुगल बादशाहों का और शहजादों का निजाम है, इसके होते हुए 100 साल गुजर जाए, आप तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने तरक्की के लिए कुछ उसूल बनाए हैं, इस्लामी मुल्क हो या गैर इस्लामी मुल्क, लेकिन कानून की हुक्मरानी होगी, आदल और इंसाफ का निजाम होगा। कल खबर थी छोटी सी कि अमेरिका में 13 घंटे पुलिस ने अमेरिकी सदर के घर की तलाशी ली। 13 घंटे, 13 घंटे वहां की पुलिस उनके घर में मौजूद थी। एक एक चीज को उन्होंने देखा, उसकी तस्वीर लिए, उसको कब्जे में लिया और यही तलाश करना चाहते थे कि बाइडन के साथ पुराने कुछ कागजात पड़े हैं। आपके मुल्क में क्या पुलिस किसी मिनिस्टर के घर के, किसी एमएनए एमपीए किसी सेनेटर के घर की तलाशी ले सकती है? ये जालिम चौक में सुर्ख बत्ती पर कड़ा होना अपना तौहीन समझता है। सुर्ख बत्ती का एहतराम करेगा गरीब टैक्सी वाला, गरीब ट्रक वाला, आम दुकानदार। ये जालिम तबका कतार में कड़ा होना, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, कतार में बारी का इंतजार करना अपनी तौहीन समझता है। ये टैक्स अदा नहीं करते, ये बिजली का बिल अदा नहीं करता, अपने आप को बरहमन समझते हैं और आवाम को शूदर समझते हैं। आज इनकी वजह से, मेरी और आपकी वजह से नहीं, हम मेहनत करते हैं, बच्चों को कहलाते हैं, ये बगैर मेहनत के इनकी प्रॉपर्टीज में, इनके जायदादों में, इनके बैंक बैलेंस में इजाफा होता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा है, लेकिन इस करप्ट अशराफिया की वजह से पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया भर में नाकाम तरीन, कमजोर तरीन पासपोर्ट बन गया है। आखिरी 4 ममालिक में हम शामिल हैं, हमारे बाद सिर्फ सोमालिया, यमन और अफगानिस्तान है। हाल यह है कि सोमालिया में भी जंग, यमन में भी जंग, अफगानिस्तान में भी जंग, लेकिन इनके बदआमालियों की वजह से पाकिस्तान का पासपोर्ट तबाह हो गया। 62,000 अरब रुपया कर्जों का हमालिया हमारे कंधों पर, छोटे छोटे बच्चे 2,70,000 रुपया आज मकरूज इन लोगों की वजह से। 1 किलो प्याज लाहौर में 250 रुपया, आलू, टमाटर, आटा, भाई ये तो वो चीजें हैं जो दरामद नहीं की जाती, ये तो इधर पैदा होते हैं। पाकिस्तान जरी मुल्क है, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारी जरात को भी तबाह किया, कारखानों को भी तबाह किया, पीटीसीएल, पीआईए, स्टील मिल, वाबदा, हर चीज को उन्होंने तबाह किया। इन्होंने क्या चीज बनाया? इन्होंने अपने लिए बंगले बनाए, तुम्हारे झोपड़ियों में भी इन्होंने
अंधेरा किया है, इन्होंने तालीमी निजाम को तबाह किया। जिक्रुल्लाह मुजाहिद को देखा, ने देखा होगा कि लाहौर जैसे तहजीब याफ्ता शहर में, इलम का शहर, मसाजिद का शहर, मदारिस का शहर, अलामा इकबाल का शहर, शाह अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह का शहर, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का शहर, इस शहर को यह दिन देखना पड़ा कि पांच छह बच्चियों ने एक बच्ची को जमीन पर गिराकर तशद्दुद कर रहे हैं कि उस बच्ची ने इनको नशे से मना करने की कोशिश की। हुआ ये वाकया कि नहीं हुआ? 70 लाख पाकिस्तानी बच्चे इन जालिमों की वजह से नशा के आदि हो गए। हर पांचवा पाकिस्तानी इनकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो मैं वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम से दरख्वास्त करता हूं कि ये कौन लोग हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमें दुश्मन का एटम बम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लाख मरेंगे, 10 लाख मरेंगे, 15 लाख मरेंगे। इन लोगों ने हमारी नई नस्ल को तबाह किया। 70 लाख लोग हमारे नशे में मुब्तला है। ये वो पाकी मिनिस्टर का स्टेटमेंट है जो उसने सेनेट में मेरे सामने दिया था। मेरे भाइयों, कश्मीर जल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं। आफिया रो रही है सुबह और शाम कि पाकिस्तान मेरे लिए क्या कर रहा है, कोई फिक्र करने वाला नहीं है। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी है लावारिस है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि हुक्मरानों का एक ही काम है, सरकारी जमीनों पर कब्जे करना, मुल्क को लूटना, तोशाखाने को लूटना, कारखानों को लूटना और अवाम को धोखा देना कि मैंने तुम्हारे लिए लंगर खाना बनाया, मैंने तुम्हारे लिए मुसाफर खाना बनाया। अपने मुल्क में मुसाफर खाने की जरूरत नहीं है, अपने मुल्क में हर पाकिस्तानी को अपने घर की जरूरत है। लंगर खाने की जरूरत नहीं है, हर पाकिस्तानी को रिस्क हलाल कमाने के लिए रोजगार की जरूरत है, खैराती कपड़े की जरूरत नहीं है, हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने के लिए वसाइल की जरूरत है। कर्जे ले लेकर आपने अपने प्रॉपर्टीज में इजाफा तो किया, पाकिस्तान पर हमालिया के तरह बड़े बड़े कर्जों के पहाड़ रख दिए। तो इस करप्ट अशराफिया ने, उसका नाम पीडीएम रखे, उसका नाम पीपल्स पार्टी रखे, उसका नाम पीटीआई रखे, ये एक करप्ट अशराफिया है, ये एक गंदा मुर्दा लाश की तरह एक निजाम के फैसिलिटेटर है। मैंने उलमाए किराम को इसलिए बुलाया है कि क्या क्यामत में अल्लाह ताला इस मुल्क के बारे में हमसे नहीं पूछेगा, अपनी इस उम्मत के बारे में नहीं पूछेगा? इकबाल ने फरमाया है कि बयां के कारी ई उम्मत राबी साजेन, कुमारी जिंदगी मर्दाना बाजेन। आओ कि इस उम्मत की बिगड़ी बना दे और इस उम्मत के खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर ले। चुनान नालेम अंदर मस्जिद शहर के दिल दर सीने मुल्ला गुदाजेन। मस्जिद शहर के मस्जिद में बैठकर मेरे साथ इतना रोना है कि आलिम दीन और इमाम मस्जिद भी
हमारी सरोने में शरीक हो जाए। इकबाल ने आपसे दरख्वास्त की है कि ए कमीना ज़ीबा कुरान अज़ीम, कुरान पर फख्र करने वाले, कुजादर हुजरा में बाशी मुकीम, कब तक आप मस्जिद के कोने में बैठे हैं, दर जहां इसरार दीन रा पाश कुन, नुक्ते शरई मुबीन रा पाश कुन, कस नगर तक दर जहां मोहताज कस, नुक्ते शरई मुबीन ई अस्वबस। इकबाल ने यही फरमाया कि मस्जिद के कोने से बाहर निकलकर आलमी इस्लाम और आलमी इंसानियत तक दीन का पैगाम पहुंचा दे, और दीन का पैगाम यही है कि एक इंसान दूसरे का गुलाम ना हो। यहां एक इंसान दूसरे का गुलाम है, जागीरदारों का, कारखानादारों का। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, खुशहाल पाकिस्तान बनाना है तो तरीका क्या है, मैं नहीं बताता हूं, कुरान से पूछता हूं कि कुरान करीम ने खुशहाल पाकिस्तान का क्या तरीका बताया है। तो सूरह नूह में अल्लाह ने जवाब दिया है कि तौबा कर लो, वकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, वो माफ फरमाएगा। युरसिल समाअ अलैकुम मिदरारा, बारिशें होंगी जरूरत की, रहमत की। وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, फिर अल्लाह तुम्हारे माशी ताकत में इजाफा फरमाएगा, अफरादी कुव्वत में इजाफा फरमाएगा, और तुम्हारी इरिगेशन और तुम्हारी ज़राअत को बेहतर बनाएगा। आए मिलकर तोबा करते हैं, इनफरादी तोबा भी, इज्तमाई तोबा भी। हम आपको उस दीन की तरफ बुला रहे हैं जिस पर हमने ईमान लाया है। तजुर्बात तो हो गए माशाल्लाह, उनको हमने देखा, नामनिहाद जमहूरियत पसंदों को हमने देखा, इन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया है, कभी रूटी कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा, कभी हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, कभी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा, कभी हकीकी तब्दीली का नारा। ये तमाम के तमाम नारे हालात ने साबित किए कि झूठ पर मुबनी नारे थे। एक ही नारा है जिस पर यकीन करना चाहिए, और वो कुरान का नारा है, फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। रब के साथ, रब के निजाम के साथ जोड़ो, वो बदमनी में अमन देता है और भूख में काना देता है। तो जमात इस्लामी उलमाए कराम से दरख्वास्त करती है कि इस उम्मत को एक उम्मत बनाना है। हम अगर कौम परस्तों को इजाजत नहीं देते हैं कि वो हमारे एक मिल्लत पाकिस्तान को पंजाबी, सिंधी, बलोच और पठान की बुनियाद पर तकसीम करे, जो ये काम करता है कि पंजाबियों को, पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को आपस में जो भी लड़ाता है, हम समझते हैं ये पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन उसी तरह अगर कोई दीन के नाम पर, मसलक के नाम पर इस उम्मत को आपस में लड़ाता है, वो भी इंसाफ नहीं करता है। दुश्मन को मुंतशर पाकिस्तान चाहिए, दुश्मन को आपस में दस बगरेबात बगरेबान उम्मत चाहिए, और अल्लाह को ऐसी उम्मत चाहिए। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतं वाहिदा, ये उम्मत वाहिदा बन जाए। मेरे दोस्तों, आज जामिया अशरफिया के मुफ्ती शाहिद उबैद साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया कि मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब जन्नत में जाएंगे, मैं कहता हूं बात अधूरी है।
جنت میں وہ بھی جائیں گے جنہوں نے مولانا عبدالاکبر چترالی کو اسمبلی میں پہنچایا ہے. وہ چترال کے لوگ ہیں, وہ چترال کے ووٹر ہیں جنہوں نے وہاں نوابوں اور قوانین کے بجائے ایک غریب کو, ایک فقیر کو, ایک عالم دین کو ووٹ دیا, کردار کو ووٹ دیا, ہمت کو ووٹ دیا, غیرت کو ووٹ دیا, اللہ کی دین کے سپاہی کو ووٹ دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں چترال کے لوگوں کو کہ انہوں نے مولانا عبدالاکبر چترالی کو اسمبلی تک پہنچایا. میرے پیارے بھائیو, یہ بڑی اسمبلی, عظیم اسمبلی ہے, اس کے ماتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے, لیکن اندر جتنے ممبران ہیں شاید اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ معلوم ہو. اندر قرآن کریم کے آیاتیں بھی موجود ہیں, لیکن کیا کرے, ایسے گھونگے بہرے اندھے لوگ ہماری قوم منتخب کر کے وہاں بیچتی ہے کہ جن کو اپنے کتوں کا, اپنے بلیوں کا خیال تو ہے, غریب قوم کا خیال نہیں ہے. تو راستہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی 100 چترالی وہاں پہنچے, آپ یقین کریں پاکستان اس ظلم اور جبر, بھوک اور غربت اور افلاس سے نجات حاصل کر سکتا ہے. اور اب یہ موقع آ رہا ہے, جنرل الیکشن, ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ایک دن قومی اسمبلی کا, صوبائی اسمبلی کا ایک دن الیکشن ہو. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور الیکشن پر 46 ارب روپیہ خرچہ آتا ہے, 72 روپیہ خرچ آتا ہے, 72 ارب, 72 ارب روپیہ خرچہ, تو یہ تو عیاشی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 اسمبلیوں کا, پھر 2 اسمبلیوں کا, پھر قومی اسمبلی کا؟ اگر آپ واقعی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو اس ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن الیکشن ہو. اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اس ادارے پر قوم کا اعتماد بحال کرے اور اپنے کریکٹر اور کردار کو غیر جانبدار ثابت کرے. میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتوں کو بھی آگاہ کرتا ہوں کہ آپ کا کام یہی ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے ماحول بنا لے اور اپنے ہر لفظ اور ہر عمل سے ثابت کرے کہ اب غیر جانبدار ہے. تو میں لاہور کے علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ لاہور میں لیاقت بلوچ, حافظ سلمان بٹ, ڈاکٹر فرید احمد پراچا, یہاں عثمان رمز ہمارے ممبران رہے ہیں, سید اسعد گیلانی ہمارے کراچی شہر میں, پروفیسر غفور صاحب, محمود اعظم فاروقی صاحب, ہمارے نعمت اللہ خان صاحب, عبدالستار افغانی صاحب طویل عرصے تک میئر رہے ہیں. لیکن میری قوم جانتی ہے کہ عبدالستار افغانی صاحب اتنے بڑے شہر کا میئر تھا, دنیا میں 12 نمبر بڑا شہر ہے, لیکن ان کی میت کرایہ کے گھر سے نکلی, ان کا جنازہ ایک کرایہ کے گھر سے. یہ دیانت ہے جماعت اسلامی کا. تو اگر یہاں کے علماء کرام بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جو وہاں جا کر منبر اور محراب کا تحفظ کرے, ایسے لوگ جو وہاں جا کر ماں اور بیٹی اور بہنوں کی عزت اور عصمت اور دوپٹوں کا محافظ ہو, وقت کا ابن قاسم بن جائے, وہاں پہنچ کر آپ کے خزانے کا تحفظ کرے, تو ایک ہی راستہ ہے
کہ آئندہ الیکشن میں غیر جانبدار رہنے کی بجائے آپ میدان میں نکل کر اسلامی تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو. اور میں علماء کرام کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں, ہم آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں. جماعت اسلامی ایک خاندان ہے اور ہر عالم دین اس خاندان کا حصہ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آج کا یہ عظیم شان علماء کرام کا اکٹھ اور اتنے بڑے تعداد میں لاہور کے علماء کرام کا یہاں جمع ہونا, یہ لاہور میں انقلاب کا, پنجاب میں انقلاب کا اور پورے ملک میں ایک اسلامی انقلاب کا ذریعہ بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیں جی. دعا سے پہلے تو اٹھیے. دعا مخل عبادہ, ہر ایک عبادت کی جو مغز دعا ہے. اتنی لمبی رات اتنے بیٹھ کے آپ دعا کے بغیر جائیں گے, یہ خسارہ ہے. میں پروگرام کے آخر میں جماعت اسلامی لاہور, جماعت اسلامی